जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में स्टैटिक की क्लास 20 होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए स्टैटिक का पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक से ही पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं, पहला हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल। क्लास 19 में हम इसको नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन क्लास 20 में पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। तीसरे पर पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद हम सिर्फ 5-5 करके पढ़ेंगे, 5-5 अनुच्छेद हम डेली पढ़ेंगे। जैसा कि कल लाइव सेशन में रॉयल लक्ष्य ने बोला था, मुझे उनकी ये बातें बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा कि स्टैटिक में आपके 5-5 करके अनुच्छेद अगर मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आपकी जो संविधान है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। संविधान वैसे तो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ आपको कराती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, तो आपको आगे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सुन लीजिए, आज का जो लाइव सेशन होगा 9 बजे, उसमें मैं आपसे क्या क्या पूछूंगी। यूपी जीके की क्लास 13 होने वाली है। स्टैटिक जो आप आज पढ़ेंगे क्लास 20 वो पूछी जाएगी, और जियोग्राफी की पूछी जाएगी आपसे क्लास 5, ठीक है। समझ गए, ये है आज का लाइव सेशन। ये आपका पहला टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, याद भी आ गई होंगी आपको, तो देख लो याद आ गई, अच्छी बात है। जो नहीं जानते वो सीखेंगे, और जो जानते हैं उनका रिवीजन होगा, ठीक है। देख लो, गीजा के महान पिरामिड किस देश में है, ये आपके मिस्र में है। कहाँ पर है स्थित हैं, मिस्र में स्थित हैं। एफिल टावर पैरिस में। अगला, हॉलीवुड की बात आ जाए, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की बात आ जाए तो लॉस एंजल्स में आपका हॉलीवुड है। बात करें ग्रैंड पैलेस की, तो ये आपका जो बहुत फेमस है बैंकॉक का। कहाँ का फेमस है ग्रैंड पैलेस? बैंकॉक का फेमस है। अगला देखो, बुर्ज खलीफा, जिगरदा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, गाना भी है ना, ये दुबई में है। पैसे वाले लोग यहाँ पे बहुत जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पर्ल टावर। पर्ल टावर आपका कहाँ पर है? तो ये संघाई में, कहाँ पर है? संघाई में आपका पर्ल टावर है, ठीक है। टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है? टाइम्स स्क्वायर, एक और मैंने आपको लिखाया था रेड स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि रेड स्क्वायर कहाँ है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, शायद कल परसों की क्लास में मैंने आपसे पूछा भी था। कमेंट सेशन में अवश्य बताओगे, ये नहीं कि बस देख लिया छोड़ दिया, बताना है। जब मैं इतना लिख सकती हूँ तो आप कमेंट सेशन में एक छोटा सा वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप इसको मुझे कमेंट सेशन में बताना कि रेड स्क्वायर कहाँ है। टाइम्स स्क्वायर आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में आपका टाइम स्क्वायर है। अब देख लो, ओपेरा हाउस सिडनी में, करा चुकी हूँ, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। अगला देखो, चीन की दीवार चीन में ही है। ताजमहल तो सबको पता ही है भारत में, भारत में किस राज्य में पड़ता है ताजमहल, वो भी आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला है हमारा फ्लेमिंगो त्यौहार। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश राज्य में आपका फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। ये जितने भी त्यौहार मेले उस सब लिखाऊंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। बिहू त्यौहार, ये पेपर में कितनी बार नहीं आ चुका, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
तो ये असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें मेला की, अंबुबाची मेला की, तो ये भी असम राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला और बिहू त्यौहार आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। और ये मेला कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक मेला चलता है अंबुबाची मेला। और कामाख्या देवी, कामाख्या देवी के मंदिर के पास लगता है ये मेला, कामाख्या देवी के मंदिर के पास लगता है ये मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला। समझ गए? अगला देखो, तीसरे पे मैंने लिखे हैं त्यौहार। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये छठ पूजा आपका त्यौहार में आता है, बुद्ध जयंती आता है त्यौहार में, सरहुल आता है त्यौहार में, ठीक है। ये किस राज्य में त्यौहार मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं आपके बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। बात करें राजगीर महोत्सव की, तो ये भी बिहार में मनाया जाता है। सोनपुर का मेला आपको पता ही है, सबसे बड़ा मेला लगता है, बिहार में लगता है। अगला देख लीजिए आप, मोडेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और खेल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोनों आपके गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं, मोडेरा और खेल महोत्सव। त्योहारों की बात की जाए, पिंजौरा हेरिटेज और गणगौर त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? ये हरियाणा में मनाए जाते हैं। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला देखो, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपके हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह है? फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है सूरज कुंड मेला। समझ गए? सरहुल त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। अगला देखिए, ओणम महोत्सव फसल कटाई के वक्त मनाया जाता है। ओणम महोत्सव मनाया जाता है आपके केरल राज्य में। समझ गए? अब आप अपना 8वां नंबर देख लीजिए, गणगौर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, गणगौर महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव। अगला पॉइंट देखो, 9वां नंबर है, मैंने महोत्सव लिख दिए हैं क्योंकि काफ़ी महोत्सव हैं। आयुध पूजा, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी। अब तो आप समझ गए होंगे गणेश चतुर्थी से, ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। समझ गए? अगला देखो, कलिंग महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, छऊ पर्व, राजा पड़वा, ये मनाए जाते हैं आपके उड़ीसा राज्य में। ओडिशा राज्य में ये वाले महोत्सव मनाए जाते हैं। जैसा कि साथियों आप नंबर 11 देख लीजिए, उत्सव लिख दिया है, बैसाखी उत्सव, गुरु पर्व उत्सव, लोहड़ी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो लोहड़ी से समझ गए होंगे ये पंजाब राज्य के उत्सव हैं, ठीक है। अगला देखो, गणगौर उत्सव, बूंदी उत्सव, ये कहाँ के हैं? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आप समझ लीजिए ये राजस्थान में लगता है ये उत्सव और मेला। और मैंने एक और लिखाया था, गणगौर उत्सव मध्य प्रदेश राज्य का भी है, ठीक है। पोंगल त्यौहार, जलीकट्टू खेल, पोंगल त्यौहार पर ही जलीकट्टू खेल खिलाया जाता था। ये खेल बैल और इंसानों के बीच होता था, जहां पर इंसान ज़्यादातर मात्रा में घायल होते थे, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस गेम पर बैन लगा दिया है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के ये गेम हैं। पहले ज़्यादातर साउथ के जिलों में ये वाला गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अगला देखो, घी महोत्सव उत्तराखंड राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का है आपका घी महोत्सव। दुर्गा पूजा सबको पता होगी, पश्चिम बंगाल राज्य का फेमस पर्व में से एक आता है दुर्गा पूजा। जैसा कि साथियों आप इन महोत्सवों को देख पा रहे हैं, ये सारे महोत्सव मैं आपको यूपी जीके में करा चुकी हूँ और आज आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। महोत्सव, मेले, उत्सव मैं आपको यूपी जीके में बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, तो एक बार देख लीजिए। कुंभ महोत्सव 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ठीक। कजरी महोत्सव
आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, बटेश्वर ढाई घाट महोत्सव, शाकुंभरी देवी उत्सव, ये लगते हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। नौशंदी मेला भी उत्तर प्रदेश में लगता है, श्रावणी मेला भी उत्तर प्रदेश में लगता है, मतलब कि कुंभ महोत्सव आप इसका ले लीजिए और यहाँ तक श्रावणी मेला तक ये लगते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला महोत्सव देख लीजिए, ड्रोन महोत्सव, हैप्पीनेस महोत्सव, बसंत महोत्सव, ये आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के महोत्सव हैं। लास्ट महोत्सव है, ये मत कहना पता नहीं कितने महोत्सव लिखा दिए, ये आपका लास्ट महोत्सव है। हैमिश महोत्सव इम्पोर्टेंट है, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य के महोत्सव हैं। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, आज हम पॉलिटी के 5 अनुच्छेदों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी के यूपी पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत हो गए, ठीक है। यकीन नहीं हो तो मॉक टेस्ट उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें आपको पता लग जाएगा सब कुछ। दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, जीएस के, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आने हैं पॉलिटी के, तो आपको पॉलिटी को अच्छा खासा समय देना है। तो देख लीजिए 5 अनुच्छेद आज हम पढ़ लेते हैं, फिर कल भी 5 पढ़ेंगे, परसों भी 5 पढ़ेंगे, मतलब डेली हम 5-5 करते रहेंगे, तो ऐसे करके आपके अनुच्छेद भी अच्छे तरीके से याद आपको हो जाएंगे और पॉलिटी में आपकी बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ, टेंशन मत लेना, अभी ये स्टैटिक में चल रहा है। देख लो भारतीय संविधान एक नज़र में, ये आपका पार्ट 3 है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाग 1 में क्या है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और संघ एवं राज्य क्षेत्र में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी आपको बताना है, तो आप बता दोगे इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अनुच्छेद 1 देख लीजिए, अनुच्छेद 1 आप देखोगे तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अब संघ का नाम जैसे नई दिल्ली, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, समझ गए ना, एग्जाम्पल दिया है ये मैंने आपको, ये आपका अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 देखो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे किसी भी नए राज्य का हम प्रवेश करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही किसी राज्य को ऐड कर दिया जाए तो वो नए राज्यों का प्रवेश हो गया ना, और जैसे किसी राज्य की स्थापना कर दी जाए तो वो भी आपके अनुच्छेद 2 में आएगा। अब आप देख लो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद, ऐसा नहीं है कि इस काम को संसद ही कर देगी, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति सिफारिश दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, उसके बाद ये संसद में जाता है, संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करती है, उसके बाद संसद नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर देती है। अब देखो संसद के पास 2 शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश करने के बाद संसद के पास 2 शक्तियां हैं, कौन कौन सी, पहली है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरी है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। संसद के पास 2 शक्तियां हैं, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की भी शक्ति है और नए राज्यों को स्थापित करने की भी शक्ति संसद के पास है, ठीक है, समझ गए। अब आप अनुच्छेद 3 देख लीजिए, नए राज्यों का निर्माण, अगर किसी भी राज्य का निर्माण होता है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, और किसी भी राज्य की स्थापना होती है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा, समझ गए। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे वर्तमान राज्य को कितना बढ़ाना है, कितना छोटा करना है, वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, और किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। अब भाग 2 में देख लो, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, समझ गए। इनको मैं नहीं पढ़ाऊँगी अभी, इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि पॉलिटी में पढ़ाऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट है उस अनुच्छेद को मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ। तो देख लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए, नागरिकता लागू कब हुई, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता को लागू किया गया, और जो भारत का संविधान है
भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, मतलब कि नागरिकता को पहले लागू कर दिया गया। आप खुद ही देख पा रहे हैं ना, समझ गए। अब आप पढ़ोगे भाग तीन, भाग तीन में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, समझ गए। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब समझ लीजिए कि राज्य अगर कोई कानून बना रहा है तो वो सबके ऊपर लागू होगा, ये नहीं कि दो चार व्यक्तियों के ऊपर ही लागू होगा या उनके लिए ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए बनेगा और सब पे लागू होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अब आप अनुच्छेद 15 देख लीजिए। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। अनुच्छेद 15 के कहने का मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, उसकी नस्ल को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, जाति को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग को लेकर भेदभाव नहीं करेगा और जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, समझ गए। अनुच्छेद 15 की कंडीशन। ये थी आपकी आज की क्लास 20। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।